दोस्तों, प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को रोकने और इससे उपजी स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के मद्देनजर पूरे प्रदेश में लागू किए गए संपूर्ण लॉकडाउन के चौथे दिन इसका सुखद असर देखने को मिला है। पिछले काफी दिनों से भय के साए में जी रहे एलनाबाद वासियों के लिए आज वीरवार का दिन काफी अच्छा साबित हुआ है। आज का दिन हम सब के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि गत 8 अप्रैल से शुरू हुए मौत के सिलसिले को आज विराम मिला है। आज कई दिनों बाद एलनाबाद क्षेत्र में कोई नई मौत नहीं हुई है। कोरोना की इस दूसरी लहर में एलनाबाद क्षेत्र में आज आए नए केसों को मिलाकर अब तक 632 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 262 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं और केवल 2 ही लोग अस्पताल में भर्ती है। अब तक कुल 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 340 केस अभी भी एक्टिव चल रहे हैं। एलनाबाद में पिछले 24 घंटे में कोई नई मौत नहीं हुई है, जिससे एलनाबाद क्षेत्र में मरने वालों की संख्या अब भी 28 ही है। सबसे अच्छी बात यह है कि एलनाबाद उपमंडल प्रशासन के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक 29,266 लोगों को कोरोना से बचाव का टीका भी लगा चुकी है। अग्निशमन विभाग की टीम ने पूरे शहर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया है। वहीं आज नगरपालिका की टीम ने शहर भर में फॉगिंग करवाई है, ताकि शहर में कोरोना का संक्रमण रुक सके। उपमंडल प्रशासन की ओर से SDM दिलबाग सिंह गोदारा, नायब तहसीलदार अजय चौहान, DSP जगत सिंह मोर, पुलिस थाना के प्रभारी उप निरीक्षक ओम प्रकाश बिश्नोई, मार्केट कमेटी के सचिव दीपक आशेरी, उपमंडल नागरिक अस्पताल की प्रभारी डॉक्टर हरप्रीत कौर व नगर पालिका की पूरी टीम पूरी तरह से हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं उपमंडल प्रशासन की ओर से कोरोना नियमों की पालना नहीं करने वालों के चालान भी किए जा रहे हैं। इधर जिला प्रशासन द्वारा निजी एम्बुलेंस संचालकों के साथ बैठक कर विचार विमर्श करने के उपरांत एम्बुलेंस की नई दरें निर्धारित की गई है। कोई भी एम्बुलेंस संचालक निर्धारित दरों से अधिक दर नहीं वसूल सकता है। जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि बेसिक लाइफ स्पोर्ट टाइप एम्बुलेंस के लिए पहले 10 किलोमीटर तक 200 रुपये तथा 10 किलोमीटर के बाद 12 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे लिए जाएंगे। इसके अलावा एडवांस लाइफ सपोर्ट टाइप एम्बुलेंस के लिए पहले 10 किलोमीटर तक 350 रुपये तथा 10 किलोमीटर के बाद 15 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे लिए जाएंगे। अगर कोई एम्बुलेंस संचालक की अधिक चार्ज वसूलने की शिकायत सामने आती है तो उसके विरुद्ध कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। उपायुक्त प्रदीप कुमार के दिशा निर्देशानुसार जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी व मार्केट कमेटी सचिव की संयुक्त टीम ने वीरवार को सिरसा की विभिन्न सब्जियों की दुकानों रेहड़ी पर बेची जा रही सब्जियों के रेट की जांच की गई। जांच के दौरान उन्होंने दुकानदारों को रेट की सूची दी तथा निर्देश दिए कि मार्केट कमेटी द्वारा निर्धारित सब्जियों के रेटों से अधिक रेट न लिए जाएं और न ही इनकी कालाबाजारी की जाए। टीम ने दुकानदारों व रेहड़ी संचालकों को निर्देश दिए कि वे मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें तथा सब्जी बेचते समय ग्राहकों से उचित दूरी बनाए रखने के लिए जागरूकता करें। अगर कोई भी दुकानदार और रेहड़ी चालक निर्धारित रेट से अधिक रेट लेता पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सचिव मार्केट कमेटी द्वारा नियमित आधार पर सब्जियों के रेट तय किए जाएंगे तथा बाजारों में निरीक्षण भी किया जाएगा। दोस्तों, हमें कोरोना से बचाने के लिए देश प्रदेश की सरकारों के साथ साथ जिला और उपमंडल प्रशासन दिन रात काम कर रहा है, जिससे बहुत जल्द हम सब सुरक्षा जोन में आने वाले हैं। बस आप सबका सहयोग जरूरी है। आप सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके व प्रशासन का सहयोग करते हुए अपने अपने घरों में बने रहें। हम हर छोटी बड़ी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियां आपको घर बैठे उपलब्ध करवाते रहेंगे। हर तरह के ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहिए केवल चैनल D। धन्यवाद।